लेकिन अपना जो पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न अपनी प्रस्तावित तीन पॉइंट होगा वो कहता है अनुपात A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 की तुलना करके बताइए कि इनका जो हल है वो आपका एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा समांतर रेखाएं होगी या संपाती होगी, ये चीज हमें अनुपात को देखकर बताना है। तो उसके लिए हमने इससे पहले हमने सारणी बनाई थी, इससे पहले हमने सारणी बनाई थी, सारणी में आपको बताया था कि अनुपात की तुलना करते हैं हम तब किस प्रकार से हमारे पास अनुपात आते हैं, कौन किस स्थिति में कौन सा हल आएगा। इसी प्रकार हमारे पास दो समीकरण हो गई है, एक 5x-4y+8=0, 7x+6y-9=0। यहाँ पर हम पहले यहाँ मालूम कर लेते हैं कि A1 कितना है, A2 कितना है और C2 कितना है। इसके लिए हम क्या, A1 कितना अपने पास 5, B1 कितना है -4 और C1 कितना है 8, ठीक है। उसी प्रकार अपना A2 क्या करेंगे 7, B2 क्या करेंगे 6 और C2 अपने पास -2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आप A1 अपॉन A2 लिखेंगे, B1 अपॉन B2 लिखेंगे और C1 अपॉन C2 लिखेंगे। सबसे पहला काम यही करना है, ये आपको समझाने के लिए आया है। अगर आप सवाल एक दो बार कर लेते हैं उसके बाद इसको नहीं लिख के सीधे यहाँ से देख कर भी लिख सकते हैं। यहाँ से जैसे मैं सीधे लिख कर बताता हूँ आपको, A1 आपका 5 है बराबर B1 आपका -4 है बराबर C1 आपका 8 है, ठीक है। ये आपका 7 है, ये आपका 6 है और ये आपका -9 है। अब हम इसकी तुलना करते हैं, पहले जो कट रहा है उसे काटने की कोशिश करेंगे, पहले जो कट रहा है उसे काटेंगे। यहाँ पर मेरे पास नहीं कट रहा है कोई बात नहीं, इसको काटते हैं 2 और ये 3, ये 5/7 -2/3 8/9। अब हम पहले तुलना यहाँ से शुरू करते हैं, पहले तुलना हम ये 2 से शुरू करते हैं, क्योंकि दोनों को देखते हैं क्या ये दोनों बराबर है, क्या ये दोनों बराबर है, क्या 5/7 -2/3 बराबर है, क्या बराबर नहीं है ना, तो हम बराबर नहीं का चिन्ह लगा देते हैं, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। और जब ये दोनों ही यानी A1 upon A2 B1 upon B2 ≠ A1, ये वाली स्थिति आ गई अपने पास A1 upon A2 B1 upon B2 ≠ आया ना, ये कौन सी स्थिति बनती है, ये मैंने आपको बताया अभी पहले सवाल में बताया था ना, कौन सी स्थिति बनती है प्रतिच्छेदी रेखा, कौन सी रेखा बताइए प्रतिच्छेद। तो सवाल में हमें क्या पूछा है, प्रतिच्छेद होगी या एक हल होगा अनंत हल होंगे, यही पूछा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। इस प्रकार से अपना ये हो गया सवाल, हमें सिर्फ अनुपात की तुलना करनी है और अनुपात की तुलना करने के बाद देखना है, मैंने आपको 3 स्थिति बताई, तीनों में से कौन सी स्थिति यहाँ पे लागू हुई, ठीक है। तो इसके दूसरा सवाल है, इसका दूसरा और तीसरा सवाल हम करते हैं। ये दूसरा सवाल है, आपको सबसे पहले अगर तुलना करने के लिए कहा गया या समांतर प्रतिच्छेदी अद्वितीय हल संगत असंगत कुछ भी कहा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे A1 upon A2 लिखेंगे, B1 upon B2 लिखेंगे, C1 upon C2 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पहली जो समीकरण है उसमें अगर जीरो के उधर कुछ है तो उसको इस पर एक पक्ष में लिए बाकी के तरफ जीरो कर दीजिए। यहाँ से आप लिखिए ये 9 फिर 3 बराबर लगा के 12 लिखिए, फिर आपका 18 फिर 6 फिर आपका 24, ठीक है। इस प्रकार से सीधे ये लिखा और इसको लिखना है, इसी में से देखना अपना A1 A2 B2 C1 B1 C1, ठीक है, A2 B2 C2 इसी से देगा। अब इसको काट 9 एक 9 9 दूनी
18 कम 3 3 दूनी 6 12 कम 12 12 दूना 24 अपने पास क्या क्या बचा 1/2 ये 1/2 ये 1/2 तीनों के पास क्या है बराबर है ना तीनों कंडीशन है तीनों बराबर आ रहे और तीनों ही बराबर आते हैं कौन सा क्या लिखते हैं बेटा जो हमने अभी पढ़ा दो आपने बताइए और क्या लिखते हैं संगत और क्या लिखते हैं अनेक हल ये संपत्ति देखा है संपत्ति और संगत यानी कि एक दूसरे को ढकती हुई चलेगी क्या होगी एक दूसरे को ढकती हुई चलेगी क्योंकि तीनों ही बराबर है तीन कंडीशन तीसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी जिसमें तीनों बराबर है ना उसी प्रकार ये सवाल भी है इसमें भी आप क्या करिए जैसे ये वन ए टू यहाँ लिखा हुआ ना इसी को यहाँ लिख दीजिए 6/2 -3/-1 और 10/ ठीक है ना बात में आ गई तो यहाँ पर अपने पास क्या है काट लीजिए दो तीन दो कम दो तीन तीन बराबर माइनस से माइनस कर गया ये तीन 10/9 ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है तो यहाँ बराबर नहीं पर लगा देते हैं इसका मतलब क्या हो गया आप बताइए इसका मतलब क्या होगा कोई हल नहीं है ठीक है इसको असंगत कहते हैं क्या कहेंगे असंगत और ग्राफ विधि में बनाते हैं तो ये समांतर रेखाएं होंगी क्या होगी समांतर रेखाएं होगी ठीक है कोई हल नहीं इसलिए असंगत हो गया कोई हल नहीं असंगत और ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो रेखाएं क्या होगी इस प्रकार से समांतर खींची चली जाएगी अपना जो दूसरा सवाल है तीनों प्रकार के सवाल है पहला आदित्य था दूसरे में संपाती तीसरे में कोई हल नहीं पहले में प्रतिच्छेद ही दूसरे में अनेक हल और इसमें समांतर रेखाएं तीन कंडीशन मैंने बताई और तीनों की तीनों आपके इसमें क्या सवाल में तीनों तीनों प्रकार के